हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ, इंट्राडे टिप्स एंड रिकमेंडेशन के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के दिन लेके आया हूं दोस्तों कल के लिए बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग टिप्स, जो कि आप लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। और जो भी ट्रेडर्स हैं जिनको भी हमारे प्रीमियम टेलीग्राम में ऐड होना है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ऐप स्टॉक का, वहाँ पर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन करवा के दोस्तों हमारा जो प्रीमियम टेलीग्राम है उसमें ऐड हो सकते हो। ओके, तो आइए आज का सबसे पहले मार्केट अपडेट दे देता हूँ। आप मार्केट अपडेट देख सकते हो दोस्तों, मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया जिस प्रकार से हम चाह रहे थे कि यहाँ पर लगभग 9500 का लेवल ब्रेक होते दिखे। वो हमें गैप अप ओपनिंग में दिखा था, लेकिन मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, इन अगर मैं बात करूँ इन्फोसिस, TCS, HDFC बैंक, ये ऐसी कंपनी थी जिन्होंने मार्केट को आज गिरने से बचाया, बेसिकली अगर मैं बात बोलूँ तो दोस्तों। ठीक है, वहीं पर 14 स्टॉक आप लोगों को दिखेंगे पॉजिटिव, 36 स्टॉक ऐसे थे जो नेगेटिव थे। वहीं पर आप लोगों को अगर मैं यहाँ पर टॉप गेनर और टॉप लूज़र की अगर लिस्ट दिखा देता हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा हाई वॉल्यूम के साथ आप देख सकते हो टाटा मोटर्स में शानदार मूवमेंट, HDFC, इन्फोसिस, NTPC काफ़ी अच्छा मूवमेंट। वहीं पर लूज़र की अगर इंडालको, JSW स्टील, एक्सिस बैंक, ये काफ़ी चीज़ें थी जिसमें मार्केट में अप एंड डाउन मार्केट एक जैसा ट्रेड होते रहा। क्योंकि अगर मैं बात बोलूँ तो दोस्तों अपना एशिया मार्केट के साथ साथ डाउ जोन फ्यूचर भी एक ही जैसा ही सस्टेन करके ही मार्केट में एक जैसा ही मूवमेंट करा था, जिसके कारण अपने स्टॉक मार्केट में भी दबाव कम पड़ा और उसके खासा इंपैक्ट देखने को मिला। ठीक है, अब जो पहला स्टॉक है उसके ऊपर लेके चलता हूँ और जो मोमेंटम रहता है वो चार्ट के ऊपर आप लोगों को समझाऊंगा। तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों देख सकते हो इन्फोसिस का परफॉर्मेंस आज की डेट में कितना शानदार रहा था, लगभग 4% की तेज़ी देखने को मिली। वहीं पर प्रीवियस क्लोज देखिए, उसका गैप अप ओपनिंग देखिए, हाई देखिए और उसका लो देखिए, तो मानना पड़ेगा कि आज मोमेंटम शानदार रहा था। वहाँ पर आप लोगों को ट्रेड वॉल्यूम नंबर ऑफ शेयर में देख सकते हो करीबन 1,33,00,000 के समथिंग का हाई वॉल्यूम ट्रेड था। ट्रेड वॉल्यूम नंबर ऑफ लेक में देख सकते हो दोस्तों 87,00,000 के समथिंग का था। वहीं अगर इसकी डिलीवरी पैटर्न देखोगे आप लोगों को तो मज़ा आ जाएगा, लगभग 40,00,000 की डिलीवरी पैटर्न देखने को मिल रही है और काफ़ी अच्छा मूवमेंट आप लोगों को आने वाले दिनों में भी इंट्राडे की टिप्स में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब इसके चार्ट पैटर्न पर आपको लेके समझाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा काफ़ी अच्छा मूवमेंट इंट्राडे पे जो रहा था। देखिए वन साइडेड मूवमेंट तो नहीं बोल सकते, इस पोजीशन पे देखिए यहाँ पर गया स्टॉक, फिर थोड़ा नीचे आया और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ा नीचे आते गया, तो एक इस प्रकार से चार्ट बना रहा था स्टॉक। तो उस प्रकार से अगर मैं आप लोगों को बताता हूँ तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, फिर यहाँ पर अच्छी बाइंग देखने को मिली, फिर यहाँ बाइंग देखने को मिली, काफ़ी अच्छा। जहाँ तक अगर ये वॉल्यूम की बात करूँ तो दोनों पोजीशन पे काफ़ी हाई वॉल्यूम और हाई वॉल्यूम के साथ काफ़ी अच्छा ट्रेड हो रहा था दोस्तों, काफ़ी अच्छी पोजीशन। लेकिन जैसे ही मार्केट ख़त्म होते होते स्टॉक सस्टेन नहीं कर पा रहे और स्टॉक भी नीचे आ गया। लगभग अगर आप लोगों को 5 दिन का चार्ट दिखाता हूँ तो आप 5 दिन के चार्ट में देख सकते हो कितना अच्छा बाउंस बैक आया हुआ है। अगर यहाँ की इस पोजीशन पर बताता हूँ, इस पोजीशन पर तो आप देख सकते हो अच्छा बाउंस बैक आया और स्टॉक में सडनली वन साइडेड मूवमेंट आया हुआ है। ठीक है, तो हमें इसी प्रकार से एक अच्छा मोमेंटम कल की डेट में भी इसमें मिल सकता है। अब आप लोगों को प्रॉपर टारगेट स्टॉप लॉस पर समझा देता हूँ। इसमें अगर देखिए दोस्तों, ये कल अच्छा गैप अप ओपनिंग देता है दोस्तों। अगर मैं बात करता हूँ लगभग मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने रिसर्च किया है प्रॉपर तरीके से, जो चार्ट पे पॉइंट ऑफ व्यू जो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग दिखा मुझे, लगभग 660 पे मैं इसको बाय करूँगा। ठीक है, लगभग 675 का मैं इसमें प्रॉपर टारगेट लूँगा। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करता हूँ तो मोमेंटम स्टॉक है, 10 रुपये का स्टॉप लॉस भी लेके चलूँगा दोस्तों। ठीक है, चार्ट के अकॉर्डिंग फंडामेंटली टेक्निकल के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, आप पहले खुद से भी रिसर्च करें, जो भी ट्रेडर्स हमारा वीडियो देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं तो वो तो पहले खुद से भी रिसर्च करें, देन उसके बाद ही इसमें ट्रेड करें या इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, अब सेकेंड स्टॉक के ऊपर आप लोगों को लेके चलता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो सेकेंड स्टॉक है अपोलो इंटरप्राइजेशन का दोस्तों। ठीक है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, आज भी लगभग 6% से ज़्यादा की तेज़ी। प्रीवियस क्लोज देखिए, इसका गैप अप ओपनिंग देखिए, हाई देखिए और लो देखिए, काफ़ी शानदार मोमेंटम रहा था और आज काफ़ी ज़्यादा
हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड करा। देखिए अगर मैं आप लोगों को बताता हूँ ट्रेड वॉल्यूम नंबर ऑफ शेयर में, तो 18 लाख के ऊपर का दिख रहा है। ट्रेड वॉल्यूम नंबर ऑफ लेग में 26 लाख के ऊपर का दिख रहा है आप लोगों को। तो काफ़ी इजीली मूवमेंट आप लोगों को इंट्राडे मार्केट में देखने को मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। वहीं अगर आप इसका डिलीवरी पैटर्न देखो तो आप लोगों को 5 लाख से ऊपर का डिलीवरी पैटर्न देखने को मिलेगा, जो कि 27% से हाई पोजीशन पे दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। इसके चार्ट पैटर्न पे समझते हैं अपने को कल की डेट के लिए क्या मोमेंटम इसमें मिल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर चार्ट देखिए, चार्ट में वन साइडेड मूवमेंट, थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर प्रॉफिट बुकिंग, उसके बाद स्टॉक ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और देन आप देख सकते हो पीछे का मूवमेंट, ब्रेकआउट ही ब्रेकआउट, मतलब पूरे स्टॉक में बाइंग और सेम वॉल्यूम, कहीं भी चार्ट पे नहीं दिखा कि स्टॉक एक रिवर्सर दे रहा है कि पीछे हट के मोमेंटम दे सकता है शॉर्ट सेलिंग के लिए, लेकिन ये नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉक में क्या मोमेंटम और शानदार मूवमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हो 5 दिन का अगर आप लोगों को चार्ट दिखाऊँ तो 200 पॉइंट से ज़्यादा का मूवमेंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है दोस्तों। आप लोगों को अभी आप लोगों को पता है कितना इम्पेक्ट है जो कोरोना वायरस है उसका, मेडिकल सेक्टर में कितना इम्पेक्ट पड़ा हुआ है, काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिल रहा है दोस्तों। तो काफ़ी हाई वॉल्यूम के साथ अच्छा स्टॉक मेंटेन करके अच्छी पोजीशन पे ट्रेड करके आप इजीली प्रॉफिट अर्न कर सकते हो दोस्तों। अब देखिए प्रॉपर इसमें भी टारगेट स्टॉप लॉस आपको समझा देता हूँ। अगर कल भी ये अच्छा गैप अप ओपनिंग देता है, मेरे हिसाब से मुझे ये 1460 पे मुझे बाइंग करते हुए मेरा जो सपोर्ट जोन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो मेरा लेवल बन रहा है, मैं 1460 से इसको बाय करूँगा। लगभग 1480 का इसमें टारगेट लूँगा, ठीक है। प्रॉपर तरीके से स्टॉप लॉस भी अगर लूँगा तो मैं 1450 का स्टॉप लॉस लेके चलूँगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर तरीके से जो देखा गया है चार्ट पे उसके अकॉर्डिंग में जो ऐसा नहीं है कि स्टॉक 70-70, 80-80 पॉइंट का मूवमेंट कर रहा है, मेरे हिसाब से मुझे 20 पॉइंट का टारगेट मिला, मैंने 20-10 का टारगेट अचीव करके मैं मार्केट से एग्जिट हो जाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप भी ट्रेड कर सकते हो। जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र है पहले उनसे भी कंसल्ट कर ले, जो भी आप लोगों को अगर दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में आपकी राय से बता सकते हो। आप लोगों को वीडियो क्लोज करते समय यही बोलूँगा दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिल रहा है मुझे, ठीक है। तो यही कंटिन्यू रखते हुए मेरे वीडियो को प्लीज़ दोस्तों लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि डेली बेसिस पे इंट्राडे की टिप्स एंड मार्केट अपडेट आप लोगों तक लाता रहता हूँ दोस्तों। थैंक यू।